कुछ अजीबो गरीब क्रिकेट हो गई, अनएक्सप्लोर्ड जैसा रिंकू सिंह को 1900 ओवर दे देना। अब ये मतलब क्या एक्सपेरिमेंटेशन थी? सिराज का एक ओवर रहता है, मैं सूर्य कुमार खुद बॉलिंग करने आ गए, 6 रन रहते थे, 2 ओवरों में 9 रहते थे। हाउ डिड यू सी दैट? मतलब ये क्या उनके दिमाग में क्या आया? ये मैचेस तो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट जीते हुए थे उनके, वो क्रेडिट जाता है कैप्टनसी को भी दे सकते हैं और माइंडसेट को दे सकते हैं सूर्य कुमार यादव को। कोई बोल सकता था ऐसा मैच हो जाएगा? 137 का टारगेट, ऐसा लग रहा था आराम से आज श्रीलंका जीत जाएगा, लेकिन इंडिया ने बोला हम है ना अभी होने नहीं देंगे। सूर्या जब खेलता है तो कोई नहीं कह रहा कि ऐसा लगता है कि वीडियो गेम चल रहा है। वक्त ऐसा था 7 से 15 ओवर का जहां पर ऐसा लग रहा था कि ये 18 ओवर में कर जाएंगे, मगर 16वें ओवर के बाद दुनिया ही बदल गई। सूर्या ने क्रिकेट की बिल्कुल ही अजीब नया मंजिल लेकर आ गया, उसने अगले 9 बॉले 12 रन और सारी विकेट उनकी खा गया। मतलब यार कमाल का मैच था भाई, ऐसा ड्रामा और ऐसा मतलब एंडिंग मैंने बहुत कम देखी है T20 इंटरनेशनल में। कोई मतलब देयर वाज नो चांस के जो है वो कैसे बोलते श्रीलंका ये मैच हारे। 9 रन भी ना कर सका यार श्रीलंका 2 ओवर में, 6 रन आखिरी ओवर में, मतलब इसका क्या मतलब है? जुमला तो यही बनता है जी, अब सोचना भी नहीं हराने का। चैंपियन टीम इस तरह जीतती है, कम बैक इस तरह करती है कि इंडिया 10% श्रीलंका 100%, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ऐसी टीम जो बिल्कुल ही जीत के मुंह पे खड़ी हो और डॉट बॉल खेलकर विकेट गिरा के निकल ले आखिरी में 7, तो अंदाजा लगाओ 7 विकेट गिरी है। अबे जीते हुए मैच को मुंह से निकाल लेना। जैसे के बैठ के ऐसा बेचारा एक स्टेज पे तो सर पकड़ के बैठ गया था, वो भी सोच रहा होगा यार ये कौन सी टीम है भाई। तो ये है क्रिकेट यार, दिस इज दीज आर द ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज ऑफ क्रिकेट। इंडिया ने T20 इंटरनेशनल सीरीज 3-match series 3-0 से जीत गया इंडिया पालाकिली में। कुछ अजीबो गरीब क्रिकेट हो गई। सूर्य कुमार यादव एक्सपेरिमेंटल भी लग रहे हैं, समझ में आ रही है कि गौतम गंभीर किस किस्म के कोच आ रहे हैं। अनएक्सप्लोर्ड जैसा रिंकू सिंह को 1900 ओवर दे देना वो एक अमेजिंग चीज है, हु हैड नेवर बोल्ड इन अ T20 इंटरनेशनल। अब ये मतलब क्या एक्सपेरिमेंटेशन थी? सिराज का एक ओवर रहता है, मैं सूर्य कुमार खुद बॉलिंग करने आ गए, 6 रन रहते थे, 2 ओवरों में 9 रहते थे। हाउ डिड यू सी दैट? मतलब ये क्या उनके दिमाग में क्या आया ये? और फिर आपने मेन टीम खिलाई नहीं हुई थी, 4 rested players थे, तो ये क्या दे वर टेकिंग इट टू लाइटली? और श्रीलंका मैचेस तो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट जीते हुए थे उनके, वो क्रेडिट जाता है कैप्टनसी को भी दे सकते हैं और माइंडसेट को दे सकते हैं सूर्य कुमार यादव को, जिस तरह से कप्तानी वो कर रहे थे, हर कोई यूटिलाइज कर रहे थे। और कोशिश उनकी है कि तमाम प्लेयर जो भी आए हैं उनको हम मौका दें, और ज्यादातर इनकी जो जीत नजर आई है 15 ओवर के बाद नजर आई है। तीनों मैच उठा के मैचेस उठा के देख लें, 3 मैचेस में इंडिया ने कमबैक किया। 50 इंडिया और श्रीलंका के दरमियान तीसरे T20 मैच के अंदर इंडियन टीम ने पहले बैटिंग की। पहले बैटिंग करते हुए इंडियन टीम का आगाज कुछ खासा अच्छा ना था, पूरी की पूरी टीम मुश्किल 136 रन बनाकर आउट हो गई और श्रीलंका को टोटल मिला 137 का, जो कि उनके होम ग्राउंड में कुछ ज्यादा टोटल नहीं था। आगाज में श्रीलंका की खासी अच्छी पार्टनर चली और श्रीलंका टीम बहुत फास्ट खेली, लेकिन आखिर में आकर इंडिया के बॉलर ने जादू दिखाया। वैसे ही हुआ जैसे हर बार होता है कि इंडिया के बॉल दोबारा मैदान मार लेते हैं। आज के मैच में आखिरी ओवर में जब टोटली मैच 100% श्रीलंका जीत चुका था, आखिर में इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग आजमाई और ऐसी आजमाई कि इंडिया के अलावा श्रीलंका की दो बड़े शिकार करने के बाद मैच को टाई कर दिया। शोएब अख्तर का कहना है कि आज का मैच टाई करना सूर्य कुमार यादव के कैरियर की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक मौके पर जब इंडिया के तमाम बॉलर फ्लॉप हो गए उस वक्त सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और ऐसी ली कि उन्होंने बताया कि वो इस बात के अहल हैं कि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में 100% देकर टीम की कमान को अपने हाथ में रख सकते हैं। बेखसूस सुपर ओवर के अंदर श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 2 रन बनाए पूरे ओवर के अंदर। उसके अलावा जब बैटिंग आई इंडिया टीम की तो इंडियन टीम ने पहली बॉल पर ही चौका लगाकर जीत अपने नाम की। रमीज राजा कह रहे हैं कि आज का मैच जीतने के बाद लगातार इंडियन टीम दूसरी अपनी यंग टीम के साथ सीरीज जीतने में कामयाब हुई है, बिलखसूस क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई है। शोएब अख्तर कहना है कि आज का मैच जीतने के बाद इंडियन टीम ने श्रीलंका को उसके ही होम ग्राउंड में क्लीन स्वीप कर दिया। बिलखसूस क्लीन स्वीप करने का मकसद यह है कि इंडियन टीम बहुत ऊपर आ रही है, हर फॉर्मेट के अंदर इंडियन टीम
बहुत ऊपर आ रही है। गौतम गंभीर जो कि बेस्ट को टीम को मिले और टीम को मुसलसल आगे से आगे जाने के लिए उफी टिप्स दे रहे हैं। पिचेस का भी ऐसा अमल दखल हो जाता है कि वहां पे प्रॉब्लम जरूर होता है। 9 रन भी ना कर सका यार श्रीलंका 2 ओवर में, 6 रन आखिरी ओवर में, मतलब इसका क्या मतलब है? करने के लिए तैयार नहीं था, तो 9 बता रहे हैं, बिल्कुल ही बुरे हालात हो गए। ठीक है कि सूर्य कुमार ने आखिरी ओवर कर दिया, लेकिन रिंकू सिंह ने T20 में कभी बॉलिंग ही नहीं की थी यार। रिंकू अच्छे गुड कैरेक्टर है यार, टीम में ऐसे लोग ना रहते हैं, अभी वर्ल्ड कप पे बाहर में बाहर थे, ये देख रहे थे, लाइवली कैरेक्टर है ये। लेकिन बॉलिंग में आज 2 विकेट लेके मैच अपने अपने कंट्री को जितवा दिया उसने, बहुत क्रूशियल था 19वां ओवर। होता क्या है कि यार ये एक ही दफा 2 दफा अपनी लाइफ में होते हैं, एक दफा तो इन्होंने सूर्य कुमार यादव ने तो कर दिया। ये इंडिया की जो अप्रोच नजर आ रही है, ये चाहते हैं कि सारे यूटिलाइजेशन हर रिसोर्स की हो जाए, चाहे वो बैट्समैन है वो बॉलिंग कर ले। यू थिंक ये अप्रोच है कि यूटिलिटी ऑलराउंडर्स रखना चाह रहे हैं वो? जी, गौतम गंभीर का तो डिफरेंट लग रहा है, वो हर एक को ट्राई करना चाह रहा है, और नीचे कर दिया बैटर्स को और नीचे किया, और प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप की भी कर रहे हैं, और कुछ प्लेयर्स की कर रहे हैं, तो अपनी टीम रेडी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए ये तैयारी समझो सही है। मैं ये समझता हूँ कि सही तरीका है। अच्छा, अब मैं इंडिया की आया लग्जरी देख रहा था राशिद, के हार्दिक पांड्या को हम रेस्ट कराएं, अक्षर पटेल को, अर्षदीप सिंह को और ऋषभ पंत को, और फिर भी 11 के 11 प्लेयर्स जो हैं वो अपने रोल में एग्जीक्यूट करें। अब इतनी लग्जरी के साथ आपने जैसे कहा है, मेरा ख्याल है कि अब इंडिया डोमिनेट करेगा एटलीस्ट फॉर अनदर कपल ऑफ इयर्स। हर बात आप 2-3 साल बाद बोलते हो। आपने 2-2.5 साल पहले कह दिया था, रोक सकते हो तो रोक लो। डोमिनेट तो कर रहे ना, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, ओडीआई हो, वर्ल्ड कप में भी फाइनल नहीं जीते लेकिन डोमिनेट तो करता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। मेरा मतलब था कि ये उस तरह की टीम ना बन जाए इनविंसिबल टाइप, एग्जीक्यूशन जिस किस्म की शुरू हो गई है कि वो जिस तरह मतलब बस अब यही 2 टीमें खेलेंगी ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाइनल। तो बहुत सारे 30-35 प्लेयर खेल रहे हैं लोग, ये डिफरेंट डिबेट है, डिफरेंट उसमें आप सिर्फ टेस्ट टीम को लेंगे तो वो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के सेम प्लेयर्स होते हैं। इंडिया उस जगह आ चुका है लेकिन डिफरेंट अंदाज में अप्रोच कर रहा है इसको। कोई बोल सकता था ऐसा मैच हो जाएगा? अब ये देखेंगे क्रिकेट इसको बोलते हैं कि ये हो क्या रहा है। आज भी 30 बॉलों में 7 आउट हुए 29 रन पे, और जय सूर्य को मैं देख रहा था तो यही लग रहा था कि खेलना आसान है, कोचिंग करना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि सिराज का ओवर नहीं हुआ आज, 3 ओवर में 11 रन दिए थे और स्काई ने खुद बॉलिंग करी, उसने भी 2 आउट करे, 6 रन बचाने थे, उसने सुपर ओवर में मैच ले गया। ये इसको बोलते हैं कि बड़ी टीमें इस तरह कम बैक करती है। 137 का टारगेट ऐसा लग रहा था आराम से आज श्रीलंका जीत जाएगा, लेकिन इंडिया ने बोला हम है ना अभी होने नहीं देंगे। तो जुमला तो यही बनता है जी, अब सोचना भी नहीं हराने।